So welcome friends, I hope today your major test paper you would have attended totally the paper, and now we will go to discuss about the empty paper. So we'll start with our empty paper discussion for today. So are you ready for that? Okay, I hope you all are ready for that. Okay, so I'll start with first question. आपको ग्राफ दिया है बेटा, और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी विद डिस्टेंस आर फॉर अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर कैरिंग अ इलेक्ट्रिक करंट. तो फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ओके, फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर बेटा, यस्टरडे ओनली आई डिस्कस विथ यू ना दैट फॉर्मूला. एट एनी डिस्टेंस आर, ऑफकोर्स outside we are discussing, not inside, only outside we are discussing. That's why whatever the graph is given, that is only for outside part. So we will not apply the Ampere's circuital law. Whatever in general we will get outside the conductor, that we will get. So mu naught upon 4 pi I upon R into sin alpha plus sin beta will be 2, because alpha will be 90, beta will be 90. Kyo beta? You long diya isko. अगर लॉन्ग दिया तो 90 बन जाएगा, 2 ने 2 को काटा ये 2 बन जाएगा. तो फॉर्मूला कितना बन गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर. इसमें से म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो मेरा क्या बन गया. अगर बी मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है, आउट ऑफ दैट दिस ऑल विल बी कांस्टेंट. तो बेटा क्या मेरा बी बन सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो मेरा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R बन जाएगा. तो आपको जो ये ग्राफ दिया है, ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ B वर्सेस R. दैट वाज वेरी इजी. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2. अ सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड अ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर has 1000 turns of a wire around wound over it. If the current carried is 5 ampere, the magnetic field on the axis near the center of the solenoid is approximately. तो आपको तो formula मालूम है, आपको B will be mu naught n I. तो यही formula use करने हैं. खाली जो आपको दिया है यहाँ पे, जो number of turns दिया है वो कितना दिया है, देखो 1000 टर्न्स दिया है. तो 1000 टर्न्स दिया है, लेकिन वो कहां पे दिया है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर दिया है, क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर दिया है, और 1000 टर्न उसका लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर. तो आपको ये टोटल टर्न दिया है, इसको बोलने का टोटल टर्न. सो अपने को टर्न पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा. तो टर्न पर यूनिट लेंथ कैसे मिलेगा, n डिवाइडेड बाय l. n कितना है 1000, और l कितना दिया अपन को, l दिया है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. अगर ये दिया है तो अभी आपका b कितना बन जाएगा, म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. i कितना दिया है, आई दिया है आपको 5 एम्पियर. तो अगर आपने ये कैलकुलेशन किया तो कितना बन जाएगा, ये 4 5 से 20, 20 पाई इंटू 10 रेस टू, ये प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. ये माइनस 2 ऊपर जाएगा, बन जाएगा माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2, और ये 0 0 कट गया, 2 बाय 5 0.4 पाई, दैट इज 0.4 इंटू 3.142 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1.26, 3 4 जा 12, या इट विल कम 1.26 आंसर आ रहा है आपका. ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा आपका. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन. प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको क्या पूछा है, थ्री में पूछा है इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस
0.05 नैनोमीटर। सो आर दिया है 0.05 नैनोमीटर, सर्कुलर ऑर्बिट दिया है। थोड़ा सा सर्कल ठीक करो इसे। ओके, परफॉर्म्स 10^16 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी दिया है, नहीं 16 दिया कि 20, 16 दिया है रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या पूछा है? द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू इट्स रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इन द इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिवॉल्व, थोड़ा सा डायग्राम ठीक से बनाता हूँ मैं, उसको आप एक कॉइल जैसा ट्रीट करो। आपको कैसे ट्रीट करना है उसको? कॉइल जैसा। सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमारा करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेने का, तो मेरा करंट कैसे आएगा? करंट जाएगा ऐसे। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो मेरा कहीं तो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, तो मेरा मैग्नेटिक मोमेंट भी कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? एन आई ए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न का जरूरत ही नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन टेक वन रिवॉल्यूशन। तो अगर आपने एक रिवॉल्यूशन दिया तो फॉर दैट एक रिवॉल्यूशन यू कैन टेक एन इज इक्वल टू वन। सो एम विल बी एन वन आएगा। आई आई को ले लो क्यू अपॉन टी इंटू एरिया, एरिया इसका कितना आएगा? एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया आएगा पाई इंटू 0.05 इंटू 10^-9 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? 0. ये ठीक है, इंटू ए, ए बोलते हैं, बाद में ए का वैल्यू कैलकुलेट कर दें। तो क्यू, क्यू को यहाँ पे कितना लिखोगे? ई। ओके, ई और एनी, एनी मतलब एन वन आएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है? वन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, और वन रिवॉल्यूशन के लिए ले लो तो टाइम भी वन आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करो तो 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10^-18। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10^-19, फाइव का वैल्यू 3.142, पाँच का स्क्वायर 25 इंटू 10^-4 और ये -18। तो ये लगभग आपने किया, पूरा किया, एक मिनट, हाँ नैनोमीटर दिया है ना, ओ ओ ओ ओ नैनोमीटर दिया है, यस 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 18, और ये कितना बन जाएगा? ये 19, -19 बन गया ना, एन ई हो गया अपना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नैनोमीटर का कुछ गड़बड़ है, नैनोमीटर टू मीटर, ओके दैट्स ऑल। 18, 28, 37 आ रहा है, कहीं तो कुछ तो गलत आ रहा है, आई थिंक पावर प्रॉब्लम इज देयर। हाँ, रिवॉल्यूशन 10^16 दे रहे हैं ना, हाँ बराबर बराबर बराबर, तो वन रिवॉल्यूशन एन वन आएगा ना अभी अपने, हाँ, अपने ने रिवॉल्यूशन कितना लिया है? अपने लिए रिवॉल्यूशन कितना दिया? 10^16, तो इसको 10^16 से मल्टीप्लाई करो, एन वन नहीं लेने का, एन को लेने का 10^16, बराबर आ जाएगा अभी, हाँ बराबर बराबर, इसको 10^16 से मल्टीप्लाई किया, ये 16, ये -2 बन जाएगा, या और ये -19, सो -22, और ये बना के हो जाएगा, बराबर बराबर, अपना आंसर कितना आ रहा है? 1.26 इंटू 10^-23, मैग्नेटिक मोमेंट है इसलिए उसको एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कभी कभी थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये इसमें क्या यूज करने का था, मैंने भी गड़बड़ किया था पहले, देखो एन इज इक्वल 1 पकड़ा था, बाद में देखा मैंने आंसर मेरा कहीं भी नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने गड़बड़ सुधर लिया, मेरा क्या एन इज इक्वल 1 दे रहा था, अरे हाँ वो 16 10^16 रिवॉल्यूशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 लेने क्योंकि वो टाइम पीरियड करेंगे, क्योंकि करंट निकाल है ना, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, इसलिए इसको 1 पकड़ा है।
और इसको 10^16 लिखना पड़ेगा। तो ये लिखो इसको 10^16, तो हो गया आपका। नेक्स्ट विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ओके फ्रेंड्स, देन विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम। क्या दिया है? टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। कॉन्सेंट्रिक कॉइल का मतलब क्या है, दिखाता हूँ आपको। ये एक कॉइल, इसके अंदर दूसरी कॉइल, जिनका सेंटर सेम है। तो कॉन्सेंट्रिक का मीनिंग क्या होगा? हैविंग अ कॉमन सेंटर, हैविंग अ कॉमन सेंटर, कॉन्सेंट्रिक है। क्या दिया है? 10 टर्न्स ईच। पहले कॉइल का N1 10, N2 भी 10, आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, इनका प्लेन भी सेम है। द रेडियाई आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 20 सेंटीमीटर और ये बन गया 40 सेंटीमीटर, बड़ा वाला 40, छोटा वाला 20। एंड 0.2 एम्पियर एंड 0.3 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, जो डैश दिया है ना, डैश मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू देयर। तो एक में 0.2 एम्पियर जा रहा है I1, तो I1 कितना लिखा मैंने, 0.2 एम्पियर, और I2 कितना लिखा है, 0.3 एम्पियर। तो ये ऐसे जा रहा है, तो I2 कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, I2 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। तो हमने कल फॉर्मूला सीखा था, कौन सा, मे नॉट एन आई, ये देखो, μ0 ni ए स्क्वेयर अपॉन 2 into r² + a² और यहाँ पे r जीरो किया क्योंकि एट सेंटर करना है, तो एट सेंटर पकड़ा मैंने, इसको ध्यान में रखो। तो मेरा फॉर्मूला क्या आया, r चला गया, a बाय ब्रैकेट रेस टू 3/2 है, तो ये भी चला गया, स्क्वेयर स्क्वेयर a क्यूब बन जाएगा और ये इसको हटाएगा। तो अभी हम करते हैं, अभी यहाँ पे नहीं दिखा था मैं, यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। तो मेरा कितना बन गया, μ0 ni ए स्क्वेयर ने ए स्क्वेयर को काटा, 2 a बच गया। तो b कितना है, b1 विल बी μ0 ni 1 i1 अपॉन 2 a1, और b2 कितना बन जाएगा, μ0 n2 i2 अपॉन 2 a2। ओके, तो μ0 अपॉन 2 यहां पे, n1 10, I1 कितना 0.2 अपॉन, A1 कितना, A1 20, सो 20 × 10⁻³ - 2 सेंटीमीटर टू मीटर बन गया। तो अभी 10 × 2 = 20, मतलब ये 2 बन गया, ये 0.2, ये मतलब ये 0.1 बन जाएगा, और ये -2 ऊपर जाएगा, +2 10/2, मतलब ये कितना बन जाएगा, मेरे हिसाब से 5 μ0 बन जाएगा। देखो, 2 ने ये 10 × 20, ये 2 बच गया, ये 2 ने इस 2 को काटा, ये 0.1 बन गया, ये नीचे 2 बच गया, मतलब 5 μ/2 बच गया। इसका करते हैं अभी, समझ गया बेटा। अभी μ0 अपने ऑप्शन में ही दिया है, देखो यहाँ पे μ0 आपका ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, तो μ0 को गिराने का नहीं, उसका वैल्यू नहीं डालने का। N2 10 है, μ0 अपन कितना 2, 10 मल्टीप्लाइड बाय N2 10 हो गया, I2 कितना 0.3, सो 0.3 एम्पियर डिवाइडेड बाय इसका 40 × 10⁻²। तो ये भी बन गया, ये 5 बन गया, 5 × 8 = 40, सो 0.3 ये ऊपर जाएगा, तो ये मतलब कितना हो जाएगा, 10⁻²+2 मतलब 1 2 मतलब 30, सो इट विल कम 30 μ0 / 8। तो टू फोर ज़ा एट, 15 टू ज़ा
30, तो ये दो बन गया, ये समझ में आया आपको, तो इसको लिख के लीजिए, प्लीज नोट डाउन दैट। अभी हम क्या करेंगे, अभी ठीक से देखो, अभी इसके आगे जो जो कुछ मजा है वो इसके आगे है। बी नेट जो आपका है, कहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखता हूँ, आपका जो बी नेट आएगा बेटा वो आएगा बी वन प्लस बी टू, लेकिन वेक्टर एडिशन। अभी वन का वन ऐसे जा रहा है, मतलब वन के लिए सेंटर को ऐसे जाएगा, तो बी वन कैसे है, बी वन गोइंग इन, और दूसरा वाला ऐसे है बी टू कमिंग आउट। तो मैंने बोला था आपको 5 मिनट अपॉन 2 और 15 मिनट बाय 4। अभी बी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, है ना, तो जिसका आर ज्यादा उसका बी छोटा, जिसका आर कम उसका बी ज्यादा। यहां पे आर किसका कम है, 20 वाला, तो बी ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो इसलिए हम अभी अपने निकालने के लिए हम निकालेंगे बी नेट इज इक्वल टू बी वन माइनस बी टू, समझ गए, ये खाली आपको समझने के लिए, एक्चुअल ये आएगा आपका बी वन माइनस बी टू, तो ये खाली समझने के लिए, वेक्टर एडिशन करना है समझने के लिए आपको मैंने लिख के दिया था। तो बी नेट कितना आएगा, बी वन माइनस बी टू, वो करके देखते हैं अभी। बी नेट का वैल्यू बी वन माइनस, अरे बाप रे, मैंने वो 5 मिनट बाय 2, 15 मिनट बाय 8, ओके ठीक है ठीक है ठीक। सो बी नेट कितना बनेगा बेटा, बी वन माइनस बी टू, ये बी वन कितना आया था मेरा 5 मिनट अपॉन 2, और ये कितना आया था 30 काटा म्यू नॉट बाय 8, मतलब 2, सॉरी 4। सो 5 मिनट अपॉन 2 माइनस 15 मिनट अपॉन 4, तो इसको 5 4 20 करते हैं, 20 मिनट माइनस 15 मिनट अपॉन 4, सो ये कितना बन गया 5 मिनट अपॉन 4। सो बी नेट कितना बन गया आपका 5 मिनट बाय 4। लेट मी चेक द आंसर कितना आ रहा है, 5 5 मिनट बाय 4 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हैव यू अंडरस्टूड दैट, ओके। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट इट डाउन, ओके, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। I'll go for the problem number 5. Electron is projected with uniform velocity along the axis of current carrying long solenoid. This solenoid hai. Iska axis hai. To yahan pe suppose maine electron ko project kiya. Which of the following is true? The electron will be accelerated along the axis. The electron, the path of electron will be circular about the axis. Electron will experience force at 45 degree to the axis, helical path. And last one is electron will continue to move with uniform velocity along the axis of solenoid. एकदम सिंपल है, मैंने कल आपको बताया था, कल ही बताया था, डायरेक्ट हमने मतलब डिस्कस नहीं किया था प्रॉब्लम, लेकिन कल अपने डिस्कशन में एक पॉइंट मैंने बताया था कि हमें भी मालूम होता है ना कि आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज का पढ़ना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था कि आपको थोड़ा हिंट मिल सकता है, क्या हिंट मिल सकता है, अंडर द सोलेनाइड, हाँ, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड कैसे आएगा, ये बन जाएगा यूनिफॉर्म। तो अभी कैसे रीजन बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे है, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, और इलेक्ट्रॉन भी यहां ही जा रहा है, तो मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, वी इज पैरेलल टू बी, इट मींस दैट थीटा विल बी जीरो, थीटा विल बी जीरो बराबर, और वी क्रॉस बी विल ऑल्सो बी जीरो, क्यों, क्योंकि वी क्रॉस बी, वी बी साइन थीटा, साइन जीरो जीरो आता है, तो एफ विल बी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, साइन जीरो ये जीरो आएगा, अगर ये जीरो आएगा तो फोर्स विल बी जीरो, नो फोर्स विल बी एक्टिंग, अगर उसके ऊपर फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है
तो इट विल गो अनडेविएटेड, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा अनडेविएटेड, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे कहीं पर भी अनडेविएटेड बोला नहीं है, लेकिन आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर सिक्स, मैग्नेटिक फील्ड ओके फोर इंटू टेन दस टू माइनस थ्री के टी, के मतलब क्या, इसको के कैप पकड़ लो और टी मतलब टेस्ला, वो उधर कैप है वो दिख नहीं रहा है। एक्सर्टेड फोर्स, फोर्स कितना दिया है, फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप इंटू टेन रेस टू माइनस टेन न्यूटन ऑन अ पार्टिकल हैविंग चार्ज, चार्ज कितना दिया है क्यू टेन रेस टू माइनस नाइन कूलम एंड गोइंग ऑन द एक्स वाई प्लेन, सो वी going on xy plane, xy plane मतलब ये plane में जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, तो उस particle को हमने क्या पूछा है, the velocity of the particle, तो अगर particle इस plane में move हो रहा है, इधर नहीं आ रहा है, मतलब उसको only x and y component बन जाएगा, तो उसका जो velocity होगा, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, x component को लिख सकता हूँ मैं a into i cap, y component को बोलता हूँ b into j cap मीटर पर सेकंड, तो v कितना है क्वेश्चन मार्क, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको फॉर्मूला यूज करना है f इज इक्वल टू, देखो अभी ये प्रॉब्लम करने के दो तरीके हैं, डायरेक्टली उसमें वैल्यू डालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो और वो क्रॉस प्रोडक्ट करके आप आंसर निकालो, नहीं तो दूसरी चीज क्या है, पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है ओके, मतलब उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है के कैप है, तो v इज परपेंडिकुलर टू b, तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन 90, मतलब कितना आएगा क्यू वी बी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा v कैसे बन जाएगा, v विल बिकम मैग्नीट्यूड ऑफ f अपॉन q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ठीक है, तो v कैसे बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ f, हाँ अभी ये f का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब सेपरेटली यहां से आपको मैग्नीट्यूड ऑफ f कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा, मैं दूसरा थोड़ा सा एक आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करके भी आ सकता है, जिनको वेक्टर्स में इंटरेस्ट है डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करने का वो वेक्टर से जाइए, जिनको इसमें इंटरेस्ट है वो इस मेथड से जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये फोर स्क्वायर सिक्सटीन थ्री स्क्वायर नाइन, तो ये बन गया, और टेन रेस टू माइनस टेन है ना, उसको कंबाइन करते हैं, कैसे करते हैं, ये फोर्स है ना, तो इट फोर आई कैप इंटू टेन रेस्ट माइनस टेन, ये भी इंटू टेन रेस्ट माइनस बाहर निकाला, इसका स्क्वायर किया मतलब इंटू टेन रेस्ट माइनस ट्वेंटी बन जाएगा, क्योंकि उनका स्क्वायर किया मैंने, तो ये कितना बन जाएगा सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस का पाँच, फाइव इंटू टेन रेस्ट माइनस टेन न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मुझे मिल गया, अब ये वैल्यू इसमें डाल देगा, तो 5 into 10 raised to minus 10 divided by कितना 10 raised to minus 9 multiplied by b कितना दिया है 4 into 10 raised to minus 3 ओके क्या है मतलब उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मिल जाएगा 9 3 12 हो गया माइनस ऊपर चल के ये बन गया ये 12 बन गया नीचे ऊपर जाके प्लस 12 ये प्लस टू हो गया सो फाइव बाय फोर वन पॉइंट ट्वेंटी फाइव इंटू टेन रेस टू टू लेकिन अभी 1.25 मिलने से ये काम मेरा अधूरा हो जाएगा तो ये मुझे मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो अपन को क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए या
उसमें से क्या चाहिए आपको? ओके ओके, आपको चाहिए वेलोसिटी का इस फॉर्मेट में, तो इससे भी कर सकते हैं। ये बन गया 125 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड। तो अभी आपने ऑप्शन में ऐसे दो ऑप्शन ढूंढो जिनका स्क्वायर का एडिशन 125 हो जाए। तो मुझे लगता है पहले वाला ऑप्शन -75 एंड +100, लेकिन ये पूरा तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि 75 ही माइनस होगा या 100 माइनस होगा ये आप बता नहीं सकते इस मेथड से। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ, ये मेथड दिखा के रखा है मैं, आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आपको चाहिए देन यू मे गो फॉर डूइंग द क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे वो भी मैं बता के रखता हूँ आपको। एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल, सो नो नीड टू एक्सप्लेन, स्टिल यू नो दैट वंस इट इज देयर आई विल एक्सप्लेन। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। आज तो थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम ही है मेरे, इट्स ओके। तो कितना बन जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ओके, तो मैं लिख सकता हूं F कितना है मेरा, 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10^-10 इज इक्वल टू 10^-9 इंटू ai कैप प्लस bj कैप क्रॉस b। कितना दिया है, 4×10^-3। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट सेपरेटली लगाओ, आपको मालूम है कैसे करना होता है। तो ये आई जे का सेपरेटली कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करो, इसको करो ओके, बाद में आप क्या कर सकते हो ए और बी का वैल्यू भी ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट यू कैन डू नाइसली ओके। सो इससे आगे ये पूरा आपका डिटर्मिनेंट वगैरह बनाने का है वो आप करो। I will not take much time. I have done it already. अगर कुछ दिक्कत तो you may ask me. Answer आता है आपका -75 i cap plus 100 j cap. पहले method में से भी आया था लेकिन perfect हम confirm नहीं थे, इस method से आपको confirm मिलेगा okay? Cross product कैसे करना है आपको मालूम है, just do that and we'll go for the next problem. So now we'll go for the problem number 7. So देखते हैं problem number 7 में इतना क्या है। प्रॉब्लम नंबर 7 है, थ्रू टू पैरेलल वायर्स ए एंड बी 10 एम्पीयर एंड 2 एम्पीयर करंट्स आर पास्ड रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये दो पैरेलल वायर है, एक में से ऐसा एक में से ऐसा, सपोज 10 एम्पीयर एंड यहां पे 2 एम्पीयर। ओके, इफ द वायर ए इज इनफाइनिटली लॉन्ग, तो इसमें से ए को मैंने कर दिया infinitely long. Okay. Length of the wire B is 2 meter. इसको बोला मैं 2 meter. एकदम tricky question है, ठीक से देखो. कहाँ पे है वो? हाँ, 2 meter. Force ऑन द बी, सो इसको ए बोला मैं, इसको बी बोलता, फोर्स ऑन बी विच इज सिचुएटेड 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। एकदम एकदम कड़क प्रॉब्लम आपकी, आप बोलते हो ना कड़क कड़क प्रॉब्लम। ओके ओके, सो सोच लो अभी मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो मेरे हाथ में दो वायर है, कैसे दो वायर है दिखाने के लिए मेरे अभी यहाँ पे नहीं है। तो सपोज करो ये पूरा लंबा वायर है और ये एकदम छोटा वाला वायर है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये लंबा वाला वायर है और ये छोटा वाला वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे पकड़, ये लंबा वाला ये छोटा वाला, तो इसके लिए कौन सा केस ले लोगे, इसके लिए बन जाएगा इनफाइनाइट, और इसके लिए कितना बन जाएगा फाइनाइट। और किसके ऊपर पूछा उन्होंने, जिसके ऊपर पूछा उसका ही लिखने का, फोर्स ऑन बी। ओके,
So I want to calculate force on B due to A. Force on B due to A. Okay. तो फोर्स के लिए दो फॉर्मूले हैं. पहला फॉर्मूला है मी नॉट अपॉन 4 पाई आई वन आई टू अपॉन आर, सर 2 पाई आता है ना, आई वन आई टू अपॉन आर इंटू एल. तो इंटू एल इसलिए हम बताते हैं, नहीं तो रेगुलरली हम पर यूनिट लेंथ के लिए निकालते. तो यहाँ पे तो उसके लेंथ के लिए निकालेंगे. तो फोर्स कितना मिलेगा बेटा, मी नॉट 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7 अपॉन 2 पाई, ये 2 बन जाएगा, इंटू आई वन कितना है, हाँ और एक अगर अपोजिट में है तो क्या करते हैं, एक दूसरे का रिपेल करते. तो इसका डायरेक्शन ऑलरेडी मुझे समझ गया है, एफ कैसे होगा, एफ विल बी टुवर्ड्स दिस साइड. ओके रिपल्शन इट विल. ओके अभी क्या करेंगे, आई वन, आई वन है 10, आई टू है 2 डिवाइडेड बाय आर कितना 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना है 2 मीटर, 2 मीटर है 2 सेंटीमीटर दिया है ना, 2 मीटर ओके इंटू 2, 10 ने 10 को काटा, इस 2 ने इस 2 को काटा, तो एफ कितना मिल गया आपको बेटा, ये 2 बन गया, ये 2 टू 4, ये 10 रेस टू माइनस 7 और ये बन गया माइनस 2, ऊपर गया वो प्लस 2 बन गया, 10 रेस टू माइनस 5 न्यूटन. आंसर आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहे हैं, कहीं पर मैंने छोड़ा नहीं ना कुछ. तो आर कितना दिया 10 सेंटीमीटर, 10 एम्पियर है, 10 10 10 2 2 मीटर. ओके 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 हाँ एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है ना, तो फाइनाइट के लिए ना बराबर है करेक्ट है करेक्ट है. एट एट आ गया ना, टू पाई फोर पाई आर कितना दिया है, आर 10 सेंटीमीटर, मतलब ये बराबर किया मैंने, आई वन आई टू. ओके तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगाने के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड से जाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही आया और लेंथ उसको 2 आएगा. ठीक है निकालते हैं, I इंटू एल क्रॉस बी, एल तो आई एल बी साइन 91 कर दिया, एफ कितना आएगा आई, आई मतलब इससे जाने वाला करंट, मतलब 2 एल, एल मतलब 2. अभी बी, इसका बी कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नहीं मतलब वो 2 पाई आएगा, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई 1 अपॉन 2 पाई आर. तो अभी इसका वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई 1 कितना 10 अपॉन 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 2. ओ कितना आ रहा है, 10 ने 10 को काटा. ओके तो करते हैं, अभी कितना आ रहा है देखो बेटा, आएगा आंसर तो आएगा, आंसर आने में कुछ दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे निकालते हैं एफ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 म्यू नॉट को लिखो 4 पाई इंटू 10 रेस टू माइनस 7, मैंने नहीं किया था उधर, वो ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे को, 2 पाई ये 10 10 काटा 1 बाय 10 रेस टू माइनस 2, माइनस 7 माइनस 2 ये बन गया माइनस 5, 2 पाई 2 टू 4, हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, यस यस करेक्ट करेक्ट. सो एफ कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 न्यूटन. ओहो कितना है बेटा आंसर, 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 न्यूटन बराबर है. ओके अभी क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए जाते हैं, विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, टिल दैट यू पॉज द वीडियो और If you want, then you may note down the question. Question number 7. Solution.
क्वेश्चन नंबर 8 को जाते हैं। सेल इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स। ओ यार ये अभी इसको अभी क्लीन किया ना, लिखेगा नहीं अभी, बहुत नाटक होते हैं इसके। सेल इज कनेक्टेड टू, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। सेल इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ यूनिफॉर्मली थिक सर्क्युलर कंडक्टर। आई वन एंड आई टू आर द करंट्स फ्लोइंग इन टू पार्ट्स ऑफ द सर्क्युलर कंडक्टर ऑफ रेडियस ए, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। वेरी सिंपल, ये ऐसे है, यहाँ पे सपोज एक सेल को कनेक्ट किया, तो अभी सेल से क्या हो जाएगा, यहां से करंट सपोज आई चला गया, तो इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, टर्मिनल के। और सपोज इसको मैंने इक्वली डिवाइड किया, ये दिख नहीं रहा है लेकिन उसको दिखा दे, ठीक से करके दिखा। सपोज इसको मैंने इक्वली डिवाइड किया है, अगर तो इक्वली पकड़ने का आपको, ये आपको देते नहीं है लेकिन आपको उसको पकड़ना होगा इक्वली, उनको एक्चुअली बताना है, एक्चुअली दे मस्ट गिव, लेकिन ऐसे ऐसे वाले टाइप वाले क्वेश्चन है थे उसमें पकड़ना होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर से जाएगा, तो इस सेंटर पे क्या हो जाएगा ये पूछा है। तो पहले आपको बी एट सेंटर ऑफ कॉइल ये निकालना पड़ेगा। आई थिंक बी कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू ए। अगर उसका रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है ए, बराबर है, इस प्रॉब्लम में। तो अभी इसको एक्स बोलता हूँ, इसको वाई बोलता हूँ। नंबर वन, फॉर ए एक्स बी कितना आएगा बेटा, बी एक्स विल बी, नहीं तो बी वन बोलते इसको, बी वन इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड। बी वन कितना आएगा, म्यू नॉट आई वन अपॉन टू ए। ओके, आई कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब ये आएगा ऐसे। दूसरा, ठीक से देखो बेटा, एकदम ठीक से देखो, फॉर ए वाई बी कितना, बी टू कितना आएगा, उतना ही, मे नॉट आई टू अपॉन टू ए। लेकिन यहाँ पे आई टू कैसे जा रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से गोइंग इन लेकिन यहाँ से कमिंग आउट। अरे बाप रे, तो ये क्या बन रहा है, बी नेट कितना बन जाएगा, बी वन प्लस बी टू वेक्टर, बट के इनका अपोजिट डायरेक्शन है, सॉरी यहाँ पे डॉट बन जाएगा, बाहर आएगा ना, तो बट हियर बी वन एंड बी टू आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अगर वो अपोजिटली डायरेक्टेड है, therefore क्या हो जाएगा, b net जीरो आएगा, क्योंकि b1 वन इज इक्वल टू बी टू, बी दे b1 और b2 सेम आ रहा है और वो अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा एट द सेंटर, जीरो आएगा। आपका आंसर है 8 को a, आपका आंसर जीरो आ रहा है उधर। ओके, नेक्स्ट वन है बायोट्स लॉ मे बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म। तो वहां पर dl क्रॉस r दिया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है हर दबाव को आर क्यूब से उसको चलना है। अगर स्पेशली उसको आर कैप दिया है, इफ दे आर गिविंग आर कैप देन ओनली यू हैव टू यूज फॉर आर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर हमें मिल गया, क्या करने का है, अगर बायोट सेवर्स लॉ दिया है और आईडीएल दिया है, हाँ तो उसको ऑप्शन ए आएगा, वो डायरेक्टली आपको बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, व्हाट इज डीबी विल बी, मे नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, इसको ऐसा समझने का, कभी कभी देते नहीं है वेक्टर का नोटेशन लेकिन हमको समझने का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के थे द फेनोमेनॉन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस नियर अ कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, ये एकदम सिंपल है, ये आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इसको करने का जरूरत नहीं है। 11 कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अकंपेंड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज डिस्कवर्ड बाय, मतलब जब जब इलेक्ट्रिक करंट आता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन कौन दिया? एम्पियर नहीं, केल्विन ना, फ्लेमिंग नहीं, ओस्टेड यस, ओस्टेड नहीं बताया था ना, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया वो बाजू को या आपका क्या होता है कंपास नीडल रखा तो वो डिफ्लेक्शन देता है, वो सब ओस्टेड है। सो ये आएगा आपका ओस्टेड। ओके, उसके बाद में एनर्जी रिसाइड्स इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ऑफकोर्स कंडक्टर है और अपना टॉपिक चला मैग्नेटिक, तो ये भी इतना एकदम इजी है, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका आंसर। तो 12 का आएगा आंसर, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ओके, इसके बाद कौन सा है? ओके 13, ठीक है, इसको पहले हटा देते हैं, ठीक से क्लीन कर लेते हैं, बाद में आगे के लिए जाते हैं। ओके, सो लेट मी टेक सम टाइम टू क्लीन दिस बोर्ड, उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन को जाते हैं। ओके, आगे वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? इलेक्ट्रिक चार्ज E मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड V पैरेलल टू द लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, लाइंस ऑफ फोर्स मतलब ये और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये B बन गया और अपना इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है? V। ओके, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, सिंपल है। ओके, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना, वी इज पैरेलल टू बी तो थीटा बन जाएगा जीरो, सो थीटा जीरो बन गया तो मेरा एफ कितना बन गया, क्यू वी बी इंटू साइन जीरो, एवरीथिंग विल बिकम जीरो, सो एफ विल कम जीरो, वेरी सिंपल। आगे देखते हैं, अभी आगे का क्या है, आगे के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस समझ गया ना आपको बेटा? ओके, अगर कुछ दिक्कत है तो मेरे को पर्सनली आप पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कितने नंबर का है वो? 14 नंबर का। इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, एफ कितना लिखते हैं? आई इंटू एल क्रॉस बी, तो कैसे आता है एल क्रॉस बी? एल क्रॉस बी और फोर्स ना, तो यहां पे कौन सा रूल यूज करते हैं? रूल यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आंसर इज, आंसर क्या आएगा आपका? फ्लेमिंग्स लेफ्ट, अरे यार क्या हो रहा है आज, लेफ्ट हैंड रूल, मेरा रूल बन गया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो ये बन गया, अभी 15 देखते हैं, 15 में क्या गड़बड़ देखते हैं। ठीक है, अभी ठीक से होने लगा है, थोड़ा नीचे के पोर्शन में प्रॉब्लम है मेरे को लगता है, कुछ तो करना चाहिए, आज गूगल करते हैं कुछ उपाय मिलता है, पुराने वाले भाई पुराना है थोड़ा बोर्ड, इसलिए क्या किया मैंने सबसे लेट लिया बोर्ड, मतलब पहले सब अपने अपने घर लेके गए थे, तब तक मैं कागज़ पे करता था, बाद में हमने डिसाइड किया आपके सामने आना चाहिए, तो जो बोर्ड मिला मुझे तो थोड़ा सा ये हो, ठीक है, जो जैसे मिलता है उससे कैसे हम अच्छा कर सकते वो देखते, थोड़ा सा हैंड राइटिंग भी अच्छा निकलता हूँ। प्रॉब्लम नंबर 15, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज, अरे ये दिखा है ना मैंने, इसका आंसर कैसे आएगा? सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा?
सुने नल का इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। आपको कल बताया था, मतलब कल 2-3 दिन का भी जिसने ठीक से मेरे साथ प्रैक्टिस किया है उसको भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ने का चांस था। कितने क्वेश्चन है उसमें हमने डिस्कस किया था, मतलब प्रॉब्लम नहीं दिया था लेकिन कुछ कुछ डिस्कस किया। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अभी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म होता है। हाँ, तो ये यूनिफॉर्म का परसों बताएं। अभी वी नॉट एन आई, ये बी बन गया, तो बी कैसा है? बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओके, अभी 16 देखते हैं। विच इज द ओनली वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। करंट फ्लोइंग इन मेटेलिक कंडक्टर नहीं हो सकता, करंट वेक्टर नहीं है, उसके लिए हमको लेंथ का कंपोनेंट लेना पड़ता है। आई इंटू एल क्रॉस बी करते हैं ना, तो एल क्रॉस बी क्यों करते हैं? लेंथ का कंपोनेंट क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि करंट खुद एक वेक्टर नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नॉट एट ऑल, चार्ज ऑन कैपेसिटर नॉट एट ऑल, मैग्नेटिक इंडक्शन यस। सो आपका इसका ऑप्शन आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, 17 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनोइड एट इट्स एंड। ये मैंने बताया था आपको, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू, हाफ म्यू नॉट एन आई, ये मैंने कल बताया था आपको, कल नहीं आप परसों बताया था आपको। और अपना डेरिवेशन हमने जब किया था जिस टाइम, उस टाइम भी मैं ये ने बताया था, ये हम लेते थे ना ऐसा, यहाँ पे एक ही लेते डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्रॉस ऐसा किया, इसको हाफ किया, इसको ऐसे पकड़ा, इसको एक लेंथ एलिमेंट पकड़ा, इसको मैंने dx बोला है ना, ये थीटा बोला, ये अल्फा बोला, ये बीटा बोला, बहुत कुछ किया था उसने। तो इससे कितना आता है? हाफ मी नॉट एन आई आता है आपका। तो ये आंसर बनेगा आपका हाफ मी नॉट एन आई। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड प्रॉब्लम नंबर 17 18। अरे एक मिनट ना, ये 18 डिस्कस किया है, सॉरी 17 करना है अभी। 17 क्या है? 17 है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड इज, हाँ वो मैंने बताया था यूनिफॉर्म। ओके, तो 15 का ये आंसर हुआ, 16 का ये आंसर हुआ, 17 का ये आंसर हुआ यूनिफॉर्म। हमें क्या करना पड़ता है कि एक चैप्टर लिया तो एक चैप्टर में सीधा स्टार्ट में से चालू करके एंड तक आपको क्वेश्चन पूछना पड़ता है, तो हर एक पॉइंट पे आपको 100% क्वेश्चन मिलता है। दिस इज द यूज ऑफ एम टीज, ऑल जो मेजर टेस्ट लेते हैं इसका ये यूज होता है। तो 18 तक हमने देख लिया, 19 भी देखते हैं अभी। 19 जिसने एनसीईआरटी पढ़ा है उसको समझेगा, आई विल नॉट एक्सप्लेन एट ऑल। एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आज जाके घर में पढ़ो। ओके, 19 क्या है, 19 क्या है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज जनरली यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आयंस, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ओके, टू एक्सेलरेट पॉजिटिव आयंस। ये गूगल करो आज, नहीं तो मैं कल आपको बताता हूँ, आज रीडिंग करो, जस्ट यू रीड दैट। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी ट्रबल यू मे आस्क मी। ओके, इन अ साइक्लोट्रॉन द चार्ज पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड अप टू, ये भी के वी एम ई वी ई वी, इसमें बी ई वी है, ये जरा ज्यादा कहे है ना, तो ये नहीं हो सकता। के वी हो सकता है, एम ई वी मेगा हो सकता है, 500 ई वी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन जो बोल रहे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया है उसको, ओके बी ई वी, ओके बी ई वी नहीं हो सकता। ओके, बाद अभी 21 से अपना है वो, 21 to 25 सेक्शन इज होली डिवोटेड फॉर योर गैल्वानोमीटर। तो जिसका मुझे था इंतजार है, जिसका मैंने प्रैक्टिस किया था बार बार है ना, वो घड़ी आ गई आ गई। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंटीजर टाइप हैविंग गैल्वानोमीटर। तो पहले अभी चलते हैं गैल्वानोमीटर के लिए, एकदम सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, घबराने का कुछ जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोलते उसको, फर्स्ट विलन ऑफ द स्टोरी
रेजिस्टेंस ऑफ टेरेनोटर इज 500 ओहम. आर जी इज इक्वल टू, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ, आर जी इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 500 ओहम. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर विच शंट इज 25 ओहम. ओके, मतलब आर जी सॉरी इंटू एस अपॉन आर जी प्लस एस इज 25 ओहम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट? ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है. कैसा करेंगे? आर जी दिया है तो 500 मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन 500 प्लस एस इज इक्वल टू 25. तो कैसे बन जाएगा, 500 एस इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 500 प्लस एस. सो 500 एस विल बी इक्वल टू 125,00 प्लस 25 एस. 500 में से 25 चला गया, सो 475 एस इज इक्वल टू 125,00. तो एस कितना बन जाएगा, 125,00 अपॉन 475. ये 12 हो जाएगा ना, 25 27 या कितना हो गया ये, 22 बच गया ना, 19 हो गया. तो एस कितना बन गया, क्या मैं गलत हो गया ना? नाइनटीन है, बराबर है. ओके, 38, सो 12 बच गया. ट्वेंटी सिक्स समथिंग आ जाएगा, कितना, 6 आ जाएगा, बराबर है. अपना आंसर कितना था, 22 दिया आपको. द रिफ्लेक्शन इन एम सी जी इज रिड्यूस टू हाफ व्हेन इट्स शंटेड विद 40 ओहम कॉइल. द रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर इज, ओके नो प्रॉब्लम. तो आपको मालूम होना चाहिए थीटा जो है, थीटा आई से डिपेंड करता है, बराबर. थीटा आई से डिपेंड करेगा, आई पे डिपेंड करेगा. और अभी यहाँ पे क्या दिया मैडम, डिफ्लेक्शन फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 20 डिवीजन, मतलब डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, बराबर. तो वहां पे आपको ऐसा दे सकते हैं, क्या दिया है, डिफ्लेक्शन फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन, बराबर. तो अभी ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है वो मेरे को नहीं लगता है आपको ईजी पड़ेगा. मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, फॉर्मूला ये है, एस अपॉन एस प्लस आर जी इज इक्वल टू थीटा डैश अपॉन थीटा. ओके, यहाँ पे आर जी कॉन्स्टेंट रखने का और जिसको जो शंट दिया है वो आपको लिखने का. तो एस कितना दिया, रिफ्लेक्शन फॉल फ्रॉम 50 टू 10 व्हेन द शंट ऑफ 12 इज अप्लाइड, रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर. ओके, 50 तो आएगा, शंट शंट कितना दिया आपको, शंट इज गिवन एज 12 ओम. और 52 कितना दिया, अरे यार भूलने की आदत है, 50 to 10 शंट 12. ओके, 50 to 10 शंट 12 अपॉन 12 प्लस आर जी. ये शायद उल्टा भी हो सकता, नहीं हो जाएगा. ओके, सो 12 इज इक्वल टू 60 प्लस 5 आर जी. ओ ये उल्टा हो गया लगता है मेरे को. ओ यस, थीटा डैश फाइनल है ना, 10/50, यस करेक्ट, 1/5 अभी आएगा. 60 इज इक्वल टू 12 प्लस आर जी, ये समझ जाता है ना, निगेटिव है तो कैसे निगेटिव आ नहीं सकता है ना. तो आर जी कितना आ जाएगा, आर जी विल बी 60 माइनस 12 मतलब 48 ओहम.
सबका आंसर कितना है? अरे या 48 हो ना, 24 देखते हैं। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 24। क्या दिया है? एमिटर इज ऑब्टेन बाय शंटिंग 30 ओम कन्वर्टर विथ 30 ओम रेजिस्टेंस। व्हाट शुड व्हाट एडिशनल शंट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस इट्स टू डबल इट्स रेंज। तो मैंने कल आपको रेंज रेंज के लिए एक ये दिया था, फॉर्मूला दिया था, एस इज इक्वल टू आर जी अपॉन एन माइनस वन। तो अभी इसका रेंज कितना करने के लिए बोला है? रेंज इन्होंने कितना दिया है? डबल करने के लिए, डबल करने के लिए दिया है। तो आर जी अपॉन 2 माइनस वन इज इक्वल टू 30, क्योंकि एस 30 दिया है अपने को। तो आर जी कितना बन जाएगा? 30 ओम बन गया। तो आर जी कितना बन गया? 30 ओम बन गया। अभी बाद में क्या पूछे? व्हाट एडिशनल शंट शुड बी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इट अक्रॉस डबल इट्स रेंज। तो पहले करंट थ्रू जनरेटर निकालते हैं। आर जी कैसा होता है? एस अपॉन एस प्लस आर जी इंटू आई, बराबर। और इसमें अभी हम ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे। तो कितना आई जी का वैल्यू कितना मिल गया? 30 अपॉन 30 प्लस 30 इंटू आई। तो आई जी कितना मिल गया? 30 अपॉन 60 आई। तो कितना बन गया ये? 0.5 आई आई जी मिल गया। अभी शंट नहीं करेंगे, ओवरऑल शंट। ये शंट पहले वाला था, अभी ओवरऑल शंट एस डैश वो कैसे निकालते हैं? वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा वाला कौन सा? आई जी इज इक्वल, नहीं शंट का भी फॉर्मूला यूज किया तो चलता है। एस इज इक्वल शंट ही निकालना है ना, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू आर जी। तो यहाँ पे वैल्यू डालोगे हो जाएगा आई जी कितना है? 0.5 आई अपॉन आई कितना है ना, आई आई ही रखो इसको, नहीं डबल किया है, रेंज डबल किया है ना, रेंज डबल्ड। तो ये बन जाएगा 2i, अभी 2i क्या है? माइनस आई जी 0.5 आई मल्टीप्लाइड बाई आर जी कितना निकला हमने? 30। तो ये कैलकुलेशन करो, 0.5, 2 माइनस 0.5 1.5, सो 0.5 आई अपॉन 1.5 आई मल्टीप्लाइड बाय 30। सो ये हो गया 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3/10। तो एस मिल गया मुझे 10। लेकिन ये एस कौन सा मिल गया? ये एस मिल गया कंबाइन, ये एस मिल गया कंबाइन। तो मेरे को कितना निकालना है? मेरे को निकालना है 15। तो मुझे रेजिस्टेंस कम करना, रेजिस्टेंस 15 निकालना है ना, कितना कितना दिया उन्होंने, रेंज डबल किया है ना। हाँ तो मेरे को उसके पैरेलल में उन्होंने बोला है ना व्हाट शुड बी द शंट, तो शंट को भी शंट किया है। तो 1/x प्लस 1/s इज इक्वल टू, हाँ ये कितना दिया है? 1/10 आ रहा है, बराबर। तो 1/x प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/10। तो नहीं तो इसको ही मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, एक्स एस अपॉन एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 10। ये अच्छा हो गया, ये टोटल रेजिस्टेंस है। एस कितना है? 30। सो 30x अपॉन 30 प्लस एक्स, सॉरी हाँ बराबर 30 प्लस एक्स 10, बराबर। तो कितना बन गया मेरा? 30x इज इक्वल टू 300 प्लस 10x। सो 30 माइनस 20x इज इक्वल टू 300, एक्स विल बी 300 अपॉन 20, 15 आएगा। सो एक्स बन जाएगा 15 ओहम। सो एडिशनल शंट रिक्वायर्ड विल बी 15 ओहम, दैट्स ऑल। सो लेट्स गो फॉर द लास्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 25। द सेंसिटिविटी ऑफ कैलोमीटर इज 60 डिवीजन पर एम्पियर। ओके, व्हेन शंट इज यूज द सेंसिटिविटी बिकम्स 10 डिवीजन पर एम्पियर। इफ द कैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट। एकदम सिंपल है,
सेंसिटिविटी का रेशियो दिया है, तो कितना दिया देखो, 60 था पहले, वो कितना बन गया, 10 बन गया, बराबर। तो n कैसे निकालोगे, n निकालने के लिए फाइनल कितना 60, नहीं वो इनिशियल कितना 60, तो 10 बन गया ना, हाँ 60 डिवीजन 10 बन गया, तो n कितना बन गया, 6 बन गया। तो s कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला दिया था rg अपॉन n माइनस 1, तो rg कितना है, rg उन्होंने कितना दिया, 20 दिया, 20 अपॉन 6 माइनस 1 दैट इज 20 बाय 5, 5 4 20, तो s कितना मिल गया, 4 ओम। ओके आंसर ही आ गया आपका 4 ओम, बाकी कुछ पूछा ही नहीं था। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर मेजर टेस्ट पेपर। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू फील फ्री टू आस्क मी, देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, वॉचिंग माई डिस्कशन। वी विल मीट टुमारो। Thank you.